जिद है, अगर जिद करनी आती है ना तो जीतना भी आ जाएगा, अगर जिद करनी नहीं आती तो जीतना भी नहीं आएगा। और एक कहावत तो सुनी होगी, गरजने वाले बादल कभी बरसा नहीं करते, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। अगर आप सिर्फ गरजने वाले हो कि हाँ मैं ये करूँगा, और दूसरों को बताते हो हाँ मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया, और जब रिजल्ट आता है तब मालूम होता है क्या, टाई टाई फीस, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बोलने वाले कभी मेहनत नहीं करते। अगर आपके पास आज का कोई दोस्त ये कह रहा है कि मैंने इतना किया इतना किया, तो समझ जाओ ख़त्म है भाई उसकी कहानी। क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनका तो खुद को भी पता नहीं होता जो मेहनत करते हैं। मेहनत अकेले में की जाती है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है ना, तब ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत होता है। पूरा गांव, जिस जिस गांव में से इंस्पेक्टर बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, यूपीएससी के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, एनडीए के थ्रू, तो पूरा गांव उन लड़कों का स्वागत करता है। लेकिन नहीं, अगर आप भी बोलने वाले हो तो बोलने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो कि जब तक मेहनत कर रहे हो तब तक किसी को ना पता हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए उस मेहनत का परिणाम देखकर तुम्हारे अंदर भी लगे, 20 तुमसे सीखे कि इसने ऐसे किया है। बोलने वाले कभी कुछ नहीं करते, खुद पे देखो, तुमने कितनी बार बोलते हो कि मैं आज से पढ़ाई करूँगा, मैं आज से ये करूँगा, आज से वो करूँगा, क्या करते हो? नहीं, रोज़ वही चीज़ें कल पर चली जाती है, और कल पर जाते जाते ऐसा टाइम आएगा बेटा उम्र निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, वही प्राइवेट में 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढते फिरोगे। ठीक है, तो अच्छा है अपना मेहनत स्टार्ट करो, होगा सिलेक्शन होगा, लेकिन मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि लगे हाँ मेहनत की है। 3 महीने मेहनत कर जाओ, सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एलिगेशन। काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर मिक्सचर स्टार्ट कराइए, मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट कराइए। मिक्सचर एलिगेशन अच्छा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो आज मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सचर एलिगेशन में देखते हैं क्या, अगर मिक्सचर एलिगेशन जिस रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, अगर मिक्सचर एलिगेशन स्पीड की रेस्पेक्ट में निकाल रहा है, एवरेज ऑफ स्पीड, तो स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एवरेज स्पीड की डिस्टेंस स्पीड के उसमें निकाला जाएगा, तो मिक्सचर जो उसका रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा। किसके रेस्पेक्ट में आएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा। अगर गर्ल्स हैं और बॉयज़ के मार्क्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ये उसका टोटल जो इन दोनों का, इसका एवरेज उसका एवरेज, तो ये आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, इसमें इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में उसका एवरेज आएगा। अगर हम निकालते हैं किसी के प्राइस के रेस्पेक्ट में, अगर हम किसी के प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आएगा। जो मिक्सचर है वो किस में आएगा? क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आएगा। स्पीड के रेस्पेक्ट में अगर मिक्सचर निकालते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकलेगा, मार्क्स में निकालेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेगा, प्रॉफिट वगैरह किसी का प्राइस वगैरह देके निकालेंगे तो उसकी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में निकलेगा। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे करने से पता लगेगा हमें क्या हुआ है और क्वेश्चन में कैसे होता है। मैं ये जो क्वेश्चन है क्लास राधे राकेश सर के नोट्स के ही क्वेश्चन है, इन्हीं से ले रहा हूँ, क्लास नोट्स से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 15 kg, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 15 kg, इफ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 15 kg एंड द वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 kg, देन फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द अनदर क्लास स्टूडेंट्स व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25 kg। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है, तो प्रथम कक्षा के छात्र तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट क्लास का एवरेज कितना है, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्लास। ठीक